हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोगों ने एपिसोड फर्स्ट देख लिया होगा। अगर आपने एपिसोड फर्स्ट नहीं देखा तो मेक श्योर आप एपिसोड फर्स्ट जरूर देख लें। उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको यूट्यूब चैनल बनाना चाहिए या नहीं चाहिए। वो सारी चीजें मैंने उसमें एक्सप्लेन करी हुई है, तो ऊपर लिंक दे दूंगी, चेक कर लेना पहले वो देखना, उसको देख के फिर आप सेकेंड एपिसोड देखना। तो आज हम बात करेंगे सेकेंड एपिसोड की। तो सेकेंड एपिसोड में जो बात करने जा रही हूँ उस वो जो टॉपिक है, जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो ये है कि जब भी हम यूट्यूब पे आने का सोचते हैं कि हाँ हमारा करियर यूट्यूब रहेगा, हमें यूट्यूब ही चलाना है, फुल जॉब हमें यूट्यूब ही करनी है, तब सबसे पहले हमारे माइंड में आता है हमारे पास कैमरा नहीं है, हमारे पास अच्छा लैपटॉप नहीं है, मोबाइल नहीं है, माइक नहीं है, ट्राइपॉड नहीं है, रिंग लाइट नहीं है, बैकग्राउंड नहीं है, रूम नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम कैसे करें, हम हमारी वीडियो में क्लियरिटी नहीं है, ये है। तो आज का सेकेंड एपिसोड है इक्विपमेंट्स, इसका नाम है इक्विपमेंट्स, टाइटल दे देते हैं इसको, इक्विपमेंट्स पे बात करूंगी मैं। तो एक चीज और आपसे, अभी इस टाइम पे जो वीडियो देख रहे हैं मेरी, ये इस टाइम पे जो आपका माइंड है ना, मैं आपका माइंड पढ़ रही हूँ, मैं आपका माइंड पढ़ रही हूँ इस टाइम पे। आपका माइंड क्या है? आपके माइंड ये है कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास वो भी नहीं है, मेरे पास ये भी नहीं है। इस टाइम पे आपका माइंड ये है। आई डोंट नो ये वीडियो कितनी लंबी जाएगी, जितने भी मिनट की वीडियो की, जैसे वीडियो खत्म होती है, एंड होता है वीडियो का, उस टाइम पे आपका माइंड चेंज होगा, मैं आपको गारंटी देती हूँ, और पॉजिटिव वे में चेंज होगा। जो आपके पास है मैं आपको उसी में खुश कर दूंगी, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए और वीडियो एंड तक देखिएगा। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो पसंद आती है, आपको थोड़ी बहुत भी हेल्प लगती है, प्लीज लाइक करना, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि जो भी नए एपिसोड आएंगे, स्क्रैच आउटफिट आएगी, मेकअप वीडियो आएंगे, अदर वीडियोज आएंगे, अपलोड अपडेट मेरी वीडियोज आएंगी जो भी है, उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। सो विदाउट एनी फर्दर डू, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इक्विपमेंट्स की बात आती है तो हम YouTube पे सर्च करते हैं कि हमें कौन कौन से इक्विपमेंट्स चाहिए। आपको ढेर सारी वीडियोस मिल जाएंगी, ढेर सारी वीडियोस में आपको कहते मिल जाएंगे क्रिएटर्स की, आपको एक अच्छे माइक की जरूरत है, कैमरे की जरूरत है, फोन की जरूरत है, ट्राइपॉड की जरूरत है, रिंग लाइट की जरूरत है, बैकग्राउंड की जरूरत है, अच्छी अच्छी चीजों की जरूरत है, तब आप अपना कॉन्टेंट स्टार्ट करें और अपलोड करना शुरू करें। आपको ये चीजें बहुत सारी मिल जाएंगी, और इन सब चीजों में मैं एग्री करती हूँ कि बिल्कुल आपको चाहिए इन सब चीजों की जरूरत, क्योंकि आपको भी शांति मिलेगी बनाते हुए कंटेंट कि भी हाँ हमारे पास वो सारा सामान है और अच्छा सब कुछ हो रहा है ना, देखने वाले को भी शांति आएगी। अभी आपको भी शांति आ रही होगी मेरी वीडियो देख के, क्योंकि जो मेरा बैकग्राउंड है मुझे पसंद है मेरा बैकग्राउंड, बट ऐसा कुछ खास तामझाम वाला बैकग्राउंड नहीं, बहुत ही सिंपल सा बैकग्राउंड है मेरा, एंड मैं कैमरे में शूट कर रही हूँ। आपको सुनने में इसको देखने में अच्छा लग रहा होगा, ऑब्वियसली हमें बनाने वाले को भी अच्छा लगता है, देखने वाले को भी अच्छा लगता है, लेकिन मेरा यहाँ पे ये है कि बिल्कुल जरूरी है कैमरा, लैपटॉप या सो सारी चीजें हैं, सब कुछ जरूरी है, लेकिन जो हमारे पास है मैं कहती हूँ उतना ही सफिशियंट है, जो आपके पास है उतना ही सफिशियंट है, जो मेरे पास है उतना इनफ है। मतलब मैं आपको यहाँ पे सबसे पहले बताती हूँ, आज का जो टाइम है, मेरी वीडियो को ध्यान से सुनना, आप मोटिवेट हो जाओगे, आपके पास जो है आप उसी में खुश हो जाओगे, मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ, ठीक है? ध्यान से सुनना वीडियो को। सबसे पहले आपसे बात करूंगी कि आज का जो टाइम है कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ चुका है। मैंने वीडियो जब बनाती हूँ ना, मैं ना कभी भी रील्स यूँ नहीं देखती, मेरी नेचर नहीं है ना, मैं शॉर्ट्स देखती हूँ यूट्यूब पे, मेरे पास टाइम ही नहीं देखने का, मैं खुद में काम में बिजी रहती हूँ। मैं अगर देखती हूँ तो मैं एक चीज नोट करती हूँ क्रिएटर्स की, हर कोई फोन में शूट कर रहा है, हर कोई फोन में शूट कर रहा है, किसी ने कैमरा ही नहीं उठा रखा। कैमरा वही उठा रहे हैं जिन्होंने रखे हुए कैमरे वाले कि भाई ये बंदा शूट करेगा मेरा, यही एडिट करेगा, यही अपलोड करेगा, यही टाइटल देगा, यही डिस्क्रिप्शन देगा, मैंने तो बताना बताना है, वही कैमरे यूज करते हैं जिन्होंने सारा काम अपने आप से करना है। फॉर एग्जाम्पल मी, सारा यूट्यूब मेरा चैनल मेरे हाथ में खड़ा है, ये हाथ काम करते हैं सारे, ये दिमाग काम करता है वहां पे, ठीक है? ऐसों के लिए फोन बेस्ट है, कंपटीशन इतना बढ़ चुका है। एग्जाम्पल देती हूँ, ईशा बोरा आप जानते होंगे इंस्टाग्राम पे, जिसका मैंने सूट को रिक्रिएट करा था येलो वाले को, उससे एक लड़की ने क्वेश्चन करा, मैंने देखा, उन्होंने पूछा कि आप किस फोन में या फिर सॉरी किस कैमरे में आप शूट करते हो, आपकी क्लियरिटी बहुत अच्छी होती है। तो उन्होंने बोला कि मैं आईफोन में शूट करती हूँ, मेरे पास जो फोन है। अब उनकी वीडियोस देख लो, मैटर करता है आपका कंटेंट, मैटर करता है हाउ टू शूट, नो कि कैमरा कौन सा है ना, लाइटिंग कौन सी है, ट्राइपॉड कौन सा है, बैकग्राउंड कौन सा है। उन्होंने बोला कि मैं मोबाइल यूज करती हूँ। देखो इतनी बड़ी वो क्रिएटर इन्फ्लुएंसर है ना, फैशन इन्फ्लुएंसर है वो, और वो मोबाइल यूज करती है, तो वो कैमरा क्यों नहीं यूज करती? क्योंकि कंपटीशन इतना बढ़ चुका है। कैमरा पता है क्या प्रोसेस होती है? अभी ये कैमरा मैंने चार्ज पे लगाया, यहाँ लगाया, इसके अंदर कार्ड इंसर्ट करा, फिर वो निकालूंगी, लैपटॉप में लगाऊंगी, अच्छे से लैपटॉप में तभी यूज कर पाऊंगी जब अच्छे से बैठूंगी बेड पे, चारपाई पे, चेयर पे बैठूंगी, लेके उसको बैठूंगी, एडिट करूंगी, अपलोड करूंगी। फोन का क्या सीन है? फोन का सीन है आप चाहे फ्रेश हो रहे हो, चाय पी रहे हो, गेस्ट में बैठे हो, फैमिली में बैठे हो, कहीं बैठे हो आप, ट्रैवल कर रहे हो आप, ठीक है? क्या हर जगह आप, मान लो आप मार्केट जा रहे हो, सुनना मेरी बात, मार्केट गए आप, मार्केट में आपको काम था कोई 10-15 मिनट का,
मान लो चलो डॉक्टर के पास गए आप, छोड़ो मैं डॉक्टर के पास, क्या डॉक्टर के पास आप लैपटॉप लेके जाओगे? मुझे पहले तो ये बताओ, आपने सोचा कि डॉक्टर का टाइम 10 बजे आने का है, मैं चला जाता हूँ, आप चले गए डॉक्टर के पास, बाई चांस डॉक्टर लेट हो गया, पेशेंट ज्यादा है वहां पर, आपको वेट करना पड़ा 30 मिनट 45 मिनट घंटा आपको वेट करना पड़ा, आपके पास लैपटॉप तो है नहीं, अगर आपने फोन में शूट कर रखा फोन आपके पास हो क्या आप एडिट नहीं कर सकते वहां पे? क्या आप उसमें जो टाइटल देना है, डिस्क्रिप्शन देना है, अपलोड करना है, वो प्रोसेस नहीं कर सकते? कर सकते हो ना आप, आपका टाइम सेव हुआ ना। अगर आपके लैपटॉप यूज करते सिर्फ कैमरा यूज करते, क्या आप वहां बैठे एडिट कर लेते? वो घंटे के अंदर जो आप डॉक्टर के पास वहां बैठे हो एडिट कर लेते? नहीं कर सकते। लोगों को देखते यूं, हाँ इसकी ये आई है, इसकी ये वाली आई है, इसकी ये रील है, इसका वो रील है, इसका ये वीडियो आई है, लोगों को देखते सिर्फ आप, खुद का काम नहीं कर पाते आप, ये कंपटीशन टाइम है। तो इसलिए मेरे पास ये कैमरा है, जितनी भी कटिंग एंड स्टिचिंग की वीडियो देखते हो आपको मोबाइल में मिलेगी, ये इस फोन में शूट करती हूँ कटिंग एंड स्टिचिंग की वीडियो, मैं इसी में ही करूंगी। 7+ फोन है, कब का फोन आया हुआ है 7+, देखो अभी भी मेरे पास है, इसमें शूट करती हूँ मैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, मासूम मीना वाला ले लो, मासूम मीना वाला भी फोन से शूट करती है, जब खुद से शूट करती है तो फोन से शूट करती है। तो ये जो मिथ पकड़ रखे अपने दिमाग में भर रखे, कैमरा कैमरा कैमरा, हाई माइक 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 माइक, ट्राइपॉड ट्राइपॉड, रिंग लाइट, सब चीजें एक बार परे करो। अगर आप नए कंटेंट क्रिएटर हो, अभी आप स्टार्ट कर रहे हो, आपको फर्स्ट अर्निंग नहीं मिली, आपका चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ, आपका जो रिक्वायरमेंट्स है यूट्यूब की तरफ से 4000 घंटे और 1000 सब्सक्राइबर वो कंप्लीट नहीं हुआ, आपके वीडियोस पे व्यू नहीं आ रहे, आपको सब्सक्राइबर नहीं मिल रहे, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा वीडियोस बनाने का, प्लीज अपने फोन से स्टार्ट करो। मैं आपको बता रही हूँ, अपने पैसों को वेस्ट मत करो, बिल्कुल भी वेस्ट मत करो, फोन से स्टार्ट करो, जुड़े रहना मेरे साथ। मैं आपको फोन से भी शूट करना बताऊंगी कैसे करना है, फोन से भी, अभी जल्दी जल्दबाजी मत करना, सब चीजें एक्सप्लेन करती जाऊंगी मैं, फोन से भी कैसे शूट करोगे, कौन से कंटेंट को कैसे शूट करना है, आपके कंटेंट मैं उठाऊंगी आपके चैनल्स को देख के, फिर मैं आपको बताऊंगी कैसे आप शूट करो, क्योंकि मैंने करते 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 एक्सपीरियंस पकड़ गई मैं अब कि भाई वो ऐसे करता है, वो ऐसे करता है, वो ऐसे करता है, ऐसे ऐसे वीडियो चाहेंगी वायरल, तो वो चीजें हैं सारी। तो लास्ट में मेरा सार यही निकलता है कि इक्विपमेंट्स वाली वीडियो में बिल्कुल, ये अब किसी के माइंड में आएगा कि एपिसोड 2 तो बनाया है इक्विपमेंट्स को लेकर, इक्विपमेंट एक भी नहीं बताया इसने, मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैं यहां पर आई हूं नए कंटेंट क्रिएटर, ऑब्वियसली जो पुराना है जिसके 2 लाख है, 3 लाख है ना, 10 मिलियन है, मिलियन है, वो बंदा मेरी वीडियो क्यों देखेगा एपिसोड 2, उसके पास इतने से बड़े बड़े कैमरे हैं, उसके बड़े ट्राइपॉड है, अच्छे अलग स्टूडियो बना हुआ है, वो मेरी वीडियोस क्यों देखेंगे? मेरे वीडियोस तो आप देखोगे, नए हैं जो, जिन्होंने अभी नहीं पता चल रहा कैसे क्या कुछ करना है, जो उलझे हुए अपने माइंड के अंदर, वो देखेंगे। अब उनको मैं बोल दूं कि भाई मैं तो यूज कर रही हूँ सोनी वाला कैमरा और ट्राइपॉड ले लो और माइक ले लो, अच्छा रिंग लाइट ले लो, तो वो फिर वीडियो देखने वाला क्या सीखेगा मेरे से? क्या हमें पता नहीं अमेजोन ऐप बनी हुई, हम ले लेंगे अपने, फिर आप बताने वाले कौन होते हो? हम आपके पास आए हैं कि किस तरीके से हम अपने पास जितना सामान हमारे अंदर उसके अंदर हम काम कर सकें। वीडियो का टाइटल मतलब ये मतलब होना चाहिए, वीडियो का मतलब मैं अपनी वीडियो में ये देना चाहती हूँ कि जो आपके पास है आप उसी से स्टार्ट करो। मत सोचो कैमरा, किसी ने कैमरा नहीं लेना, किसी ने कोई माइक नहीं लेना, अगर किसी ने इन्वेस्ट करना है, फॉर एग्जाम्पल किसी के 10,000 व्यू है, किसी के 30,000 व्यू है इस टाइम पे यूट्यूब चैनल पर, उसको हो रहा है कि हमें एक अच्छे ट्राइपॉड पे इन्वेस्ट करना है या किसी भी चीज़ में, कैमरे में सॉरी, मैं उसको कहूंगी अगर आपको इन्वेस्ट करना है 2 चीज़ों में इन्वेस्ट करो, किस में? ट्राइपॉड, रिंग लाइट। जो बिल्कुल नए हैं, बिल्कुल अभी स्टार्ट कर रहे हैं, 10 सब्सक्राइबर हैं, 20 हैं, 100 हैं, 1000 हैं, 5000 भी हैं, आप मत इन्वेस्ट करो एक बार, आप मत करो। जिन थोड़े आगे चले गए, थोड़ा ग्रो कर गए, जिनको समझ आ रही है थोड़ी थोड़ी के बारे में, आप ट्राइपॉड और रिंग लाइट लो। कौन सी लेनी है ट्राइपॉड? देखो मेरे पास जो ट्राइपॉड है ये मैंने आई थिंक यहीं से लिया था, रिंग लाइट मैंने ऑनलाइन ली थी, वाली अमेजोन से 3200 की थी, बड़ी रिंग लाइट है। अब पहले तो आपको ट्राइपॉड क्लियर करती हूँ माइंड में कि ट्राइपॉड अगर आपको लेना है ना अच्छा, तो आप अमेजोन पे जाना, सबसे पहले आप लो प्राइस में डाल देना ट्राइपॉड, लो प्राइस में फोन के लिए, ठीक है, लो प्राइस में, उसके ऊपर आप 5 स्टार और 4 स्टार क्लिक कर देना, आपके सामने काफी सारे प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, ट्राइपॉड आ जाएंगे, उनमें रिव्यू चेक करना, जिसमें रिव्यू आपको बेस्ट लगे आंख बंद करके ऑर्डर कर लेना, बस मेक श्योर वहां पे रिटर्न होना चाहिए। आप लाना घर पे, 4 दिन यूज करके देखना, आपको लगता है कि भाई हाँ बात बन रही है इससे, आप रखो नहीं तो रिटर्न कर दो। ये चीजें होती हैं, सस्ता ट्राइपॉड लो एक बार, और छोटी रिंग लाइट आती है मेरे पास, मुझे गिफ्ट मिली थी, मेरे पास अंदर रूम के अंदर पड़ी है, अभी मैं यहाँ नहीं ला रही, लेकिन जिस दिन मैं हाउ टू शूट मेरी जर्नी के अंदर मैं सब दिखा दूंगी अपना, ठीक है, वो छोटी रिंग लाइट एक बार वो ले लो आप, नहीं तो टॉर्चर होती है, जिससे टॉर्च होती है, बैटरी होती है, जिससे हम स्टडी भी करते हैं, लैंप बोलते हैं जिसे हम ना कभी किचन में भी रख लेते हैं, हमारी तो ऐसे रख लेते हैं, तो वो भी यूज करके आप वीडियोस बना सकते हो। ऐसा कुछ नहीं आपको रिंग लाइट चाहिए, ऐसा कुछ नहीं आपको ट्राइपॉड चाहिए, ऐसा कुछ नहीं आपको कैमरा चाहिए, ऐसा कुछ नहीं आपको माइक चाहिए। अब सुनो, ये जो वीडियो बन रही है मेरे, कहीं आपको माइक दिख रहा है लगा हुआ?
कहीं दिख रहा है माइक? मैंने माइक यूज ही नहीं करती, अजीब लग रहा है ना सुनने में। मैं माइक यूज, आई नो ये मेरी जो आवाज़ है थोड़ी सी तीखी लग रही होगी, है ना, कमरे में गुनगुना रही होगी, पीछे का थोड़ा सनसनाहट सा सुन रहा होगा। आपका ध्यान कहाँ है? आपका ध्यान मैं जो बोल रही हूँ, मेरी टंग जुबान से जो शब्द निकल रहे हैं, आपका ध्यान वहाँ है। मेन आपका कॉन्टेंट है डियर, आपका कॉन्टेंट जितना दम है। डजेंट मैटर आपका कौन सा कैमरा है, कौन सा मोबाइल है, कौन सा बैकग्राउंड है, ये गांठ बांध लो बात, ठीक है? तो स्टार्ट करो आज से वीडियो शूट करना, अपने फोन से शुरू करो। यहाँ पे कोई माइक नहीं यूज कर रही, डायरेक्ट बोल रही कैमरे के अंदर। मेरे पास एक माइक है, मैं लेके बैठी हूँ, ऐसे ही बस दिमाग से पैदा थी मैं। जब मेरे कोई सब्सक्राइबर नहीं थे, मेरे आई थिंक 2000-1500 सब्सक्राइबर थे और मैंने माइक ले लिया उस टाइम पे, ऐसे ही बस। मेरे पास तो है नहीं, पर तब समझ नहीं थी मेरे को, बस ऐसे खर्चा कर लिया 700-750 का। मुझे ये माइक पड़ा, ये वाला माइक मैंने लिया था, ये मैंने अमेजोन से लिया था, ये वाला माइक है, ठीक है? और इसको मैंने एक दो बार यूज करा फोन से, लेकिन इसका जो वो होता है ना अडोप्टर होता है, वो मेरा ब्रूनो डॉग खा गया। उसके बाद से मैंने अमेजोन पे देखा, वो होता नहीं, करंट अवेलेबल ही नहीं होता, वो आउट ऑफ स्टॉक रहता है, तो फिर मैंने देखना ही बंद कर दिया इसको। मैं इसका ये जो पतली वाली है ना, इसका ये वाला, ये लैपटॉप पे तो लग जाता है, लेकिन ये आईफोन में नहीं लगता। तो इसलिए जब लैपटॉप पे आप मेरी जितनी मेकअप वीडियोस देखोगे ना, उसके अंदर यूं लगा कि वो मेरे माइक में बोली होती है। मेकअप वीडियोस में जितना भी वॉइस ओवर करा हुआ, वो इस माइक में करा हुआ है। जितने भी शॉर्ट्स देखते हो, जितने भी अभी ये जो वीडियो देख रहे हो, या मेरी स्क्रैच आउटफिट वाली वीडियो, जंप करके आती हूँ, ट्रांजिशन करके आती हूँ, सब मेरी आवाज़ है। कोई माइक नहीं, कुछ नहीं, सीधा कैमरा पकड़ता है मेरी आवाज़, सीधा फोन पकड़ता है मेरी आवाज़, इसी फोन में डायरेक्ट बोलती हूँ मैं। पता रील्स में वॉइस ओवर कैसे करती हूँ, मुझसे पूछा जाता है कि आप रील्स में वॉइस ओवर कैसे करते हो, ठीक है? अपलोड में डाल दी मैंने, रील अपलोड में कर रही हूँ, शॉर्ट्स मतलब शॉर्ट्स डाल रही हूँ। हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोगों ने ये स्क्रैच आउटफिट वीडियो देख ली होगी। अगर आपने नहीं देखी तो मैं लिंक आपको ऐड कर दूंगी, मेक श्योर आप देख लेना। अगर आपको वीडियो पसंद आती है प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। ओके, बाय बाय, लव यू। मैं ऐसे ऐसे वॉइस ओवर करती हूँ, ऐसे फोन पकड़ लेती हूँ, एडिट करके जैसे अपलोड करती हूँ ना उसको, ऐसे से बस इसके ऊपर बोल देती हूँ, फोन पकड़ लेता है। अब आप मेरे शॉर्ट्स खोल कर देख लो, क्या बुरा है? कुछ भी बुरा नहीं है। तो मत भागो माइक के पीछे, मत टेंशन लो, हाय माइक नहीं है, हाय मेरे पास माइक नहीं है, हाय मम्मी मेरे पास माइक नहीं है, भाई मेरे पास माइक नहीं है, दोस्तों मेरे पास माइक नहीं है, या फिर कैमरा नहीं है। आपके पास फोन है, आपके पास आप हो, आपके पास आपकी मेहनत है, आपके पास आपका दिमाग है, सफिशियंट है, सफिशियंट। बस इतना ही करो, फोन से शूट कैसे करना है, कैसे कॉन्टेंट लाने हैं, वो सब की वीडियोज आगे आएगी। लेकिन आज का टॉपिक यही था, क्लियर करना था इक्विपमेंट्स को लेकर। तो मेरे पास जो ट्राइपॉड है, जैसे ये वाला, ये मैंने यहीं से लिया है। कैमरा जो मैं यूज़ करती हूँ, मैंने अमेजोन से लिया था, ठीक है, लास्ट ईयर लिया मैंने। लैपटॉप मैंने अमेजोन से लिया था। रिंग लाइट ये वाली गोल जो है, ये मैंने अमेजोन से ली थी। इसका लिंक अगर हुआ, 3200 की है, लिंक हुआ तो मैं दे दूंगी, ठीक है? बहुत टाइम पहले ले रखी है मैंने ये, 2.5 साल हो गए इसको। रिंग इसका, इस माइक का ये 700 रुपये कुछ कॉस्ट करता है, ये वाला माइक और रिंग लाइट। अगर मेरे पास लिंक हो ना तो मैं ऐड कर दूँ, ठीक है? अगर आपको बाई चांस लेना है, अगर आपका चैनल 30-40 हज़ार सब्सक्राइबर है तो आपको लेना है, तो आप ये ले लेना, ठीक है? और लैपटॉप और जो कैमरा यूज करती हूँ, इसका मैं वहां पे दूंगी लिंक, जहां मैं ये बताऊंगी हाउ आई शूट, मैं शूट कैसे करती हूँ, कौन सा मैं ट्राइपॉड, सब चीजें दिखाऊंगी लाइव आपको कि ये ट्राइपॉड है। जैसे फोन सामने रख लूंगी ना, या फिर कैमरे हटा दूंगी, कैमरा हाथ में पकड़ लूंगी, इस तरीके से आपको सब चीजें दिखाऊंगी। फिलहाल मैं आपकी मदद करने के लिए आई हूँ यहाँ पे, मेरा कुछ भी दिखाने के लिए नहीं आई मैं सिर्फ आपकी मदद करने आई, क्योंकि आपके पास एक फोन है, आप बहुत कुछ कर सकते हो YouTube पे, अगर आपके पास एक फोन है। हाँ, अगर आपके पास एक अच्छा फोन नहीं है तो मैं ये कहूंगी थोड़ा इन्वेस्ट करो, धीरे धीरे धीरे। एक बार जो फोन है कोई बात नहीं, आपके पास 10,000 वाला फोन है, 8,000 वाला फोन है, उससे भी स्टार्ट करो, कोई चक्कर नहीं है। उससे भी अच्छी नेचुरल लाइट के अंदर आप शूट करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? फिर धीरे धीरे आप उस मनी को सेव करो, सेव करके आप अच्छा फोन में लो। बस माइक पे खर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है रिंग लाइट पे खर्चा करना, कोई जरूरत नहीं है कैमरे पे या फिर कुछ और चीजों पे, ट्राइपॉड पे खर्चा करना है तो अपने फोन पे करो, अपने फोन बेस्ट ले लो आप। बस आप और आपका फोन, यूट्यूब पे आप छा जाओगे। आप बस काम करना शुरू करो, कंपटीशन बहुत आगे बढ़ चुका है, हम ऑलरेडी लेट हैं, स्टार्ट कर दो। जैसे ही वीडियो खत्म होती है, बस आज के बाद ये नहीं कहना हमारे पास कैमरा नहीं है, हमारे पास लैपटॉप नहीं है, हमारे पास ट्राइपॉड नहीं है, आपके बाद ये कहना कि मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास फोन है ना तो मेरे पास सब कुछ है। बस आपको फोन से शूट करना है, सब कुछ फोन से शूट करना है। दुनिया फोन पर ही शूट कर रही है, मैं जितनी भी पिक्स होती है सब कुछ क्लिक करी होती है, इंस्टाग्राम पे जो भी देख रहे हो आप, मेरा सारा फोन का खेल है। बस आपको करनी आनी चाहिए क्लिक्स, नेचुरल लाइट में बैठा करो, वहां पे क्लिक करा करो, ठीक है?
तो ये मेरा सेकेंड एपिसोड था. आई होप मैंने आपको कुछ दिया है. एंड अब आपका जो माइंड है वो मुझे एक कमेंट में बताना कि अब आपका माइंड क्या है. ठीक है, तो मैंने मेरा बता दिया, मैं कोई माइक यूज़ नहीं करती. एक माइक यूज़ करती हूँ वो वाला सिर्फ मेकअप वीडियोस में वॉइस ओवर करती हूँ, उसके अलावा मैं कोई माइक यूज़ नहीं करती. यहाँ पे बिना माइक के बैठी हूँ मैं. ठीक है, तो ये आज का एपिसोड था, सेकेंड एपिसोड इक्विपमेंट्स में. थर्ड एपिसोड के अंदर हम बात करेंगे बैकग्राउंड की. ठीक है, तो जुड़े रहना मेरे साथ. एपिसोड फर्स्ट, एपिसोड टू ये देख लिया, एपिसोड फर्स्ट देख लेना. तो या अगर आपको वीडियो पसंद आती है, हेल्प मिलती है आपको थोड़ी बहुत इस वीडियो से, तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकॉन. और मेरे स्क्रैच आउटफिट जो पुरानी अपलोड होती आ रही है वो भी आप देख लेना, अगर आप नए सब्सक्राइबर हो तो वो भी आप देख लेना. ठीक है, तो इस वीडियो का यही सार था कि जो आपके पास है उसी में खुश रहो, स्टार्ट करो. एक आप खुद से प्रॉमिस कर लो भी इस टाइम पे कि राजवीर ने, राजवीर की वीडियो देखी है हमने, तो अब हम क्या करेंगे, 15 दिन, ज्यादा नहीं, 15 दिन बिना ये सोचे कि कैमरा वैमरा कुछ भी, 15 दिन हम सिर्फ फोन पे शूट करना है, कुछ नहीं सोचना, बस बनाते जाओ वीडियो, बनाते जाओ शॉर्ट्स, बनाते जाओ, कोई ना कोई वायरल हो जाएगी आपकी और आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस आने लगेगा कि भाई हाँ, फोन तो सफिशिएंट है, फोन बेस्ट है. ठीक है, तो यार, तो ये आज की वीडियो थी. आई होप आपको पसंद आई होगी. तो अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय एंड लव यू सो मच, बाय.